गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर, और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। हम लोग निरंतर मैं आपके लिए छोटे छोटे टॉपिक्स सी लैंग्वेज के आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं, तो उसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक, कुछ लोग कहें कि सी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा, तो मेरे हिसाब से मैं कहूंगा कि पॉइंटर्स होगा। और मैं ही नहीं कहूंगा, जितने भी जानकार सी लैंग्वेज को जानते होंगे वो जरूर ये कहेंगे कि पॉइंटर एक ऐसा सिद्धांत है जो सी लैंग्वेज को आप कह सकते हैं कि अदर हाई लेवल लैंग्वेज से अलग बनाता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि सी इज द मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी आपकी मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मिड लेवल का मतलब क्या है कि ये हाई लेवल और ये लो लेवल, ये दोनों की फीचर्स को, दोनों की गुण को, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है, तो गलत नहीं है। क्योंकि ये जो पॉइंटर का सिद्धांत है, ये इसी लैंग्वेज पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो सी को क्या है, सुपीरियर बनाता है अदर लैंग्वेजेस से। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे और पॉइंटर का कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। पहली चीज, पॉइंटर्स है क्या? तो पहली चीज, पॉइंटर का मतलब क्या होता है? पॉइंटर मींस टू इंडिकेट और पॉइंट्स एनी वैल्यू। इंडिकेट करना या पॉइंट करना किसी वैल्यू को, पॉइंटर कोई नया सिद्धांत नहीं है। बच्चों, आप अपने लाइफ में चारों तरफ इंडिकेटर या पॉइंटर्स देखते हैं। कहीं रास्ते पे जा रहे होते हैं, लिखा रहता है आगे स्कूल है, बोलिए आगे शहर इतनी दूर है, ये ऑब्जेक्ट इतना है, एरो बना रहता है आगे रेलवे क्रॉसिंग है, ये क्या है? पॉइंटर्स तो हर जगह उपलब्ध है, लेकिन अगर वही कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रोग्राम में लेके चले आए तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग पॉइंटर का रूप दे देते हैं। तो आइए एक्सप्लेन करता हूं कि पॉइंटर्स क्या होता है। इसके लिए आपको बच्चों समझना पड़ेगा, तो कंसीडर मतलब मानिए, कंसीडर अ डिक्लेरेशन। एक डिक्लेरेशन को ध्यान दीजिए जो कि मैं करने जा रहा हूं सी में, और आपने बहुत किया है। मान लीजिए आपने लिखा int a बराबर 5, ध्यान दीजिएगा, तो आप कंपाइलर से क्या कह रहे हैं कि सर हमें मेमोरी पर एक ब्लॉक चाहिए, उस ब्लॉक का नाम आपने a रखा, उसकी वैल्यू 5 रखी। a को क्या कहेंगे? लोकेशन का नाम, या कुछ लोग ए को और क्या कहते हैं पॉपुलरली, वेरिएबल का नाम कहते हैं। 5 क्या है? वैल्यू एट लोकेशन। व्हाट इज दिस 5? इज लोकेशन की वैल्यू। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, ये जो वेरिएबल बनता है ये प्राइमरी मेमोरी यानी रैम पर क्रिएट होगा, तो जब रैम पर बनेगा तो इसका कोई एड्रेस या कोई लोकेशन अवश्य होगा। मशीन एड्रेस की हम बात कर रहे हैं, और सी लैंग्वेज में, आपके सी लैंग्वेज में जो एड्रेस होता है वो अनसाइंड इंटीजर डेटा टाइप से डिनोट किया जाता है, याद रखिएगा इस चीज को। और अनसाइंड इंटीजर डेटा टाइप से हम डिनोट करते हैं किसको? हम नहीं करते, कंपाइलर करता है। किसको? लोकेशन को या एड्रेस को। तो बच्चों यहां पर क्या है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 62112 मानना है, ये इस लोकेशन का क्या है, ये इस ब्लॉक का क्या है, एड्रेस है, या इसको कुछ लोग लोकेशन नंबर भी कहेंगे। इसको कुछ लोग लोकेशन नंबर भी कहेंगे। तो देखिए इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, यहां पर ए वेरिएबल या लोकेशन का नाम, 5 उसकी वैल्यू, और ये हमने माना, एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्योंकि ये तो असाइन करता है कंपाइलर, लेकिन ये आपका क्या है, एड्रेस है या लोकेशन नंबर है। बच्चों ये हमारे हाथ है, ये हमारे हाथ है, ये हमारे हाथ नहीं होता। अब आगे चलिए, पॉइंटर्स में क्या होता है सी में, कि एक होता है एस्ट्रिक
एक आपका होता है बच्चों एम्परसेंड। एस्ट्रिक को हम क्या कहते हैं, वैल्यू एट एड्रेस, और एम्परसेंड क्या होता है, हम कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और ये क्या है तुम्हारा वैल्यू एट एड्रेस। आपको अगर एड्रेस मालूम है किसी वेरिएबल का, अगर आपको एड्रेस मालूम है किसी वेरिएबल का और उसकी वैल्यू चाहिए तो आप यूज करिए किसका, एस्ट्रिक का। अगर आपको किसी वेरिएबल का, अगर आपको किसी वेरिएबल का एड्रेस ही नहीं मालूम तो आप यूज करेंगे किसका, एम्परसेंड का। कहां पर यूज करेंगे, सी लैंग्वेज में यूज करेंगे। आइए देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं। आपने अगर एक वेरिएबल बनाया आईएनटी ए जिसका मान है 5, और एक दूसरा वेरिएबल बनाया आईएनटी एस्ट्रिक्स ऑफ बी, यहां ये वाला डिक्लेरेशन तो आप पहले से करते हैं, आपको मालूम है इस डिक्लेरेशन का क्या मतलब है। इस डिक्लेरेशन का बच्चों मतलब ये है कि बी इज अ पॉइंटर वेरिएबल। बी कैसा वेरिएबल है, बी एक पॉइंटर वेरिएबल है। व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ पॉइंटर वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल नेम के पहले यहां क्या लगाया है तुमने, एस्ट्रिक लगा दिया है। तो बच्चों बी क्या है तुम्हारा, बी इज ए पॉइंटर वेरिएबल दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ एनी अदर इंटीजर वेरिएबल। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बी इज ए पॉइंटर, कैसा पॉइंटर है, इंटीजर पॉइंटर है। बी कैसा है आपका, इंटीजर पॉइंटर है। हाँ बच्चों, बी आपका कैसा वेरिएबल है, बी आपका पॉइंटर वेरिएबल है, और कैसा पॉइंटर है, इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल है। बी इज अ इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल जो कि रखेगा क्या, दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ एनी अदर इंटीजर वेरिएबल। इस बात को बच्चों ध्यान दीजिएगा कि बी आपका एक पॉइंटर है, इंटीजर पॉइंटर। क्यों मैं कह रहा हूं इसको इंटीजर पॉइंटर, क्योंकि बी के पहले ये आईएनटी कीवर्ड लगा है, और इंटीजर पॉइंटर का मतलब क्या है बच्चों, कि ये किसी दूसरे इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करेगा, या कहूं तो मैं होल्ड करेगा, जो किसी दूसरे इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करेगा, या कहूं तो मैं होल्ड करेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, बी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो बी पॉइंट्स टू इंटीजर, बी पॉइंट करता है किसको, इंटीजर को, तो गलत नहीं होगा। अब आइए देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूं, या मैं डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फिर से देखिए बच्चों, वही डिक्लेरेशन आईएनटी ए जिसका मान 5 है, आईएनटी एस्ट्रिक्स ऑफ बी, और मैंने यहां लिख दिया बी बराबर एड्रेस ऑफ ए। तो यहां क्या होगा, अब आप इस चीज को चित्र से ही समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। ए 5, 65,112 आपका एक दूसरा वेरिएबल है बी, वो भी बी में एड्रेस किसका, ए का, ये एम्परसन एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है ना, यानी ये यहां पर आ जाएगा 65,112, और बी का अपना खुद का कोई एड्रेस होगा, उससे मुझे लेना देना नहीं। तो यहां देखो, बी किसी दूसरे इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को रख रहा है कि नहीं रख रहा है। अब आपको अगर आप अगर प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और अगर मैं लिख दूं एस्ट्रिक्स ऑफ बी, बच्चों इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि पॉइंटर का सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए प्रिंट एफ
परसेंटेज डी बी और बी के पहले लगा है एस्ट्रिक, यहाँ एस्ट्रिक भूल जाइए, पहले आप नॉर्मल बी की बात कीजिए। तो जब मैं नॉर्मल बी की बात करूंगा तो उसमें जो वैल्यू है वो आएगी ना, तो उसकी वैल्यू क्या है 65112, और इस वैल्यू पर तुमने क्या लगा दिया एस्ट्रिक। तो इस एड्रेस की वैल्यू 65112 की वैल्यू तुम्हें क्या मिल जाएगी, 65112 की वैल्यू है 5। तो ओवरऑल इस स्टेटमेंट का आंसर तुम्हें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। कितने आसानी से आप इजीली बच्चों समझ सकते हैं कि पॉइंटर क्या होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहां ए आपका एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 5, बी आपका एक पॉइंटर वेरिएबल है, और ये पॉइंटर वेरिएबल का मतलब क्या है कि ये किसी दूसरे इंटीजर वेरिएबल के ही एड्रेस को कंटेन करेगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि किसी दूसरे इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को ही कंटेन करेगा, क्योंकि बी का टाइप खुद क्या है, इंटीजर है। और इस पॉइंट से क्या हो रहा है, बी बराबर जब मैंने लिखा एड्रेस ऑफ ए, तो ए का एड्रेस जो कि कितना है 65112, जो कि स्टोर हो रहा है बच्चों किस पर स्टोर हो रहा है, बी पर जाकर स्टोर हो रहा है। और उसके बाद एक बार अगर आपका एड्रेस स्टोर हो गया इंटीजर वेरिएबल पर, तो आप इजीली ऑपरेटर्स की मदद से उस एड्रेस की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। यही सिद्धांत पॉइंटर का सिद्धांत कहलाता है कि किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को कोई अदर वेरिएबल होल्ड कर सकता है, और होल्ड करने के बाद एड्रेस अगर उसके पास है तो उसकी वैल्यू को, यानी एक और रास्ता मिल गया। अभी तक हम लोग किसी वेरिएबल की वैल्यू को उसके नाम से ही प्राप्त करते थे, लेकिन अब अगर हमें उस वेरिएबल का नाम ना पता हो, अगर हमें उसका एड्रेस भी बच्चों मालूम है, तो पॉइंटर एक बड़ा ही शानदार और एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है सी लैंग्वेज का, जिसके द्वारा आप वेरिएबल के एड्रेस के ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं। पॉइंटर एक बड़ा ही लंबा, एक बड़ा ही पेचीदा सिद्धांत है सी का। विद्यार्थियों के मन में पॉइंटर से भय भी होता है, लेकिन मैं उन सभी विद्यार्थियों को जिनके मन में पॉइंटर से भय है, मैं इतना कहना चाहूंगा बच्चों कि भय मत कीजिए, एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए। एक बार आपको समझ में आ गया कि एस्ट्रिक का मतलब क्या है, एम्परसेंड का मतलब क्या है, कहां किसका यूज करना है, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जैसा कि मैंने ये समझाने की कोशिश की कि देखिए ये नॉर्मल है, ये पॉइंटर है, और ये पॉइंटर वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन कर रहा है, और एक बार एड्रेस मुझे मिल गया तो हम उसके द्वारा, बी में एड्रेस ही तो है ना, उसके द्वारा हम वैल्यू को प्राप्त कर पा रहे हैं। कौन सी वैल्यू, जो हमने वेरिएबल में स्टोर की है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों आप चाहें तो कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल भी बना सकते हैं। जितने भी डेटा टाइप सी सपोर्ट करती है, यहां पर सीएच कैसा वेरिएबल है, कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल है, अर्थात ये किसी दूसरे कैरेक्टर वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करेगा। यहां पर एफ क्या है, ये आपका फ्लोट टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल है, अर्थात ये किसी दूसरे फ्लोट वेरिएबल के एड्रेस को ही, देखिए टाइप कास्टिंग यहां सी में बहुत जरूरी है। सी में टाइप कास्टिंग हो जाती है पहले से। टाइप कास्टिंग का मतलब कि कोई वेरिएबल कैसी वैल्यू रखेगा, ये पहले से किस टाइप की वैल्यू रखेगा, ये पहले से फिक्स हो जाती है और हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा मेरा प्रयास कि पॉइंटर क्या है, कैसे उसको हम यूज करते हैं, कुछ अवश्य समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप कंप्लीट सी लैंग्वेज और पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि ये छोटा प्रयास आपके लिए फायदेमंद होगा, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए ताकि और आपके फ्रेंड्स तक ये जानकारी पहुंच सके कि कैसे पॉइंटर ऑपरेट करता है। तो फिर नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा, कुछ जानकारी लेके आऊंगा, इस वादे के साथ गुड बाय, नमस्कार, थैंक यू।